नॉर्थ उड़ीसा का, नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में मोस्ट प्लेसेस में ही बारिश हुआ है। मीन्स नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ही सभी जगह में बारिश हुआ है लाइट टू मॉडरेट, और हैवी रेनफॉल भी हुआ है कुछ जगह में, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल में हुआ है। हाइस्ट रेनफॉल है सोनपुर डिस्ट्रिक्ट का वीर महाराजपुर, वीर महाराजपुर में 78.4, देवगढ़ में है 59.0। इस तरह से रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट और हैवी रेनफॉल एक दो जगह में नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में हुआ है, और बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में फ्यू प्लेसेस में रेनफॉल है। इवन जैसे हमने बोला था मालकानगिरी कोरापुट उस तरफ ड्राई रहेगा, उस तरफ ड्राई है। और अगला पाँच दिन का जो फोरकास्ट है, नॉर्थ उड़ीसा में मोस्ट प्लेसेस में, नॉर्थ उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जगह में बारिश होने का, लाइट टू मॉडरेट आपका हल्का से मझारी बारिश होने का चांसेस है। एक दो जगह में हैवी रेनफॉल का चांसेस है। कटक, खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर, जाजपुर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, देवगढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। अदर प्लेसेस में सभी जगह में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। नॉर्थ उड़ीसा का एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे सोनपुर, बौद्ध, कंधमाल, इसमें मेनी प्लेसेस में बारिश होगा, बाकी अदर जगह में फ्यू प्लेसेस में रहेगा। 24 आवर्स का बाद फिर बारिश कम हो जाएगा। कल मेनली कल दोपहर तक थोड़ा बारिश रहेगा, बट आज इंटीरियर उड़ीसा में आज नाइट तक ही रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्लियर रहेगा। और कोस्टल उड़ीसा में कल दोपहर तक रहेगा। कल जो है इसमें आपका कल, इसीलिए कोस्टल उड़ीसा में कल भी कुछ कुछ जगह में फ्यू प्लेसेस में लाइट रेन होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा और मयूरभंज, केंदुझर इसका साथ रहेगा। एक दो जगह में रेनफॉल सुंदरगढ़, अंगुल, ढेंकनाल, बौद्ध, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, इसमें भी एक दो जगह में रेनफॉल कल हो सकता है। 27 से पूरा तीन दिन तक 27, 28, 29 ड्राई वेदर रहेगा, ठीक है। और अभी कल क्लियर होने के बाद फिर फॉग का चांसेस है मॉर्निंग आवर्स में। कल भी सुबह फॉग हो सकता है मॉर्निंग आवर्स में, सुंदरगढ़, झारसीगुड़ा उस तरफ फॉग होने का चांसेस है। 27 मॉर्निंग में कोस्टल एरिया में फॉग होने का चांसेस है। नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट उसके साथ अंगुल, ढेंकनाल, सुंदरगढ़, खुर्दा, पुरी, नयागढ़, कंधमाल, इसमें डेंस फॉग होने का चांसेस है। 27, 28 में भी फॉग रहेगा। 28 में खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर, नयागढ़, गंजाम, कंधमाल, कालाहांडी क्लियर होने के बाद फिर 27, 28, 29 फॉग, डेंस फॉग होने का चांसेस है। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अभी मिनिमम टेम्परेचर अगला दो दिन में 2 to 3 डिग्री फॉल करेगा। क्लाउड क्लियर होने के बाद 2 to 3 डिग्री सभी जगह में फॉल करने का चांसेस है। इंटीरियर में थोड़ा ज़्यादा फॉल भी कर सकते हैं। भुवनेश्वर सिटी में आज पूरा दिन क्लाउडीनेस ही रहेगा, बीच बीच में बारिश भी होगा। कटक सिटी में भी सेम है टेम्परेचर, भुवनेश्वर में जैसा अदर अलग आज यहाँ पर भी 23-24 मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, और मिनिमम भी कल 17-18 का आसपास रहेगा। अभी तक जो रेनफॉल हुआ है 9 mm हुआ है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वार्निंग भी है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वार्निंग आज जो है इसमें नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है, और एक दो जगह में तेज हवा भी हो सकता है। 30-40 km/h तक तेज हवा भी जाने का चांसेस है नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में। और उसका साथ मयूरभंज, केंदुझर, ढेंकनाल, कंधमाल, बौद्ध, रायगढ़, इसमें भी वार्निंग है थंडरस्टॉर्म का, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स का। कोस्टल उड़ीसा एंड मेनली नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा, साउथ कोस्टल में भी चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा मयूरभंज, केंदुझर, ढेंकनाल, बौद्ध, रायगढ़, मीन्स कोस्टल उड़ीसा के एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट में भी आपका थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, तेज हवा 30-40 km/h तक जा सकता है।